आज मैं आपको इंडक्शन मोटर क्या है, इंडक्शन मोटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं तथा इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, इन सब के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। सबसे पहले बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के पार्ट्स की। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर जिसे हिंदी में स्थाता कहते हैं तथा दूसरा रोटर जिसे हिंदी में घुलक कहते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मोटर का घूमने वाला पार्ट है उसे रोटर कहते हैं और रोटर के सबसे आगे वाले घूमने वाले भाग को शाफ्ट कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर के ऊपर टर्मिनल बॉक्स लिखा हुआ है। इस टर्मिनल बॉक्स के अंदर से इस मोटर को थ्री फेज सप्लाई दी जाती है। अब मैं आपको स्टेटर को अंदर से दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटर मशीन का रुका हुआ पार्ट होता है, यानी कि स्टेटर अपने आप में रोटेट नहीं करता है। स्टेटर के अंदर ही थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग की जाती है जिनके बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। अब अगर हम इस थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग में थ्री फेज बैलेंस सप्लाई देंगे तो स्टेटर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि घूंडी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मोटर का अगला पार्ट है रोटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक स्क्विरल केज रोटर है, यानी कि यहाँ पर रोटर के अंदर कोई थ्री फेज वाइंडिंग नहीं की गई है। यहाँ पर ये कॉपर या एल्यूमिनियम के रॉड होते हैं जिनको दोनों साइडों पे एंड रिंग जो कि कॉपर के ही बने होते हैं के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। इस फिगर में आप और अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी वाइंडिंग का यूज नहीं किया गया है। रोटर के साथ में ही बियरिंग तथा शाफ्ट कनेक्टेड होते हैं। खास बात यह है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में किसी भी प्रकार की सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में केवल स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई दी जाती है, इसीलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सिंगली एक्साइटेड मशीन भी कहते हैं। सिंगली एक्साइटेड मशीन इसलिए क्योंकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए केवल एक सप्लाई की जरूरत होती है जो कि स्टेटर में दी जाती है। कुछ मशीन जैसे कि सिंक्रोनस मोटर या फिर अल्टरनेटर, वो डबली एक्साइटेड मशीन होती है। वहाँ पर हमें स्टेटर तथा रोटर दोनों में सप्लाई देनी पड़ती है। रोटर के कोर को लेमिनेटेड किया जाता है जिससे कि एडी करंट लॉस कम से कम हो। अब बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार के होते हैं। रोटर के कंस्ट्रक्शन के आधार पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर दो प्रकार के होते हैं, एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर तथा दूसरा स्लिप रिंग या फिर वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में कॉपर या एल्यूमिनियम की रॉड होती है जिसके दोनों सिरों को शॉर्ट कर दिया जाता है, जो कि अभी आपने कुछ देर पहले देखा था। जबकि स्लिप रिंग या फिर वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में रोटर में एक थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में स्क्विरल केज रोटर का यूज किया जाता है। स्क्विरल केज रोटर के यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यह सस्ता होता है, रोबस्ट होता है, इसमें मेंटेनेंस कम होता है, इसमें केज स्ट्रक्चर यूज किया जाता है यानी कि कॉपर या एल्यूमिनियम की रॉड ही यूज की जाती है। इसकी वजह से मटेरियल भी कम लगता है और कॉपर लॉस कम हो जाता है। यहाँ पर ब्रशेज का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए स्पार्किंग की समस्या भी खत्म हो जाती है, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर में वाइंडिंग की जाती है, रोटर के ऊपर ब्रश लगा होता है तो जिससे स्पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, बट स्क्विरल केज रोटर में यह प्रॉब्लम नहीं होती है। स्क्विरल केज रोटर के पास में फैन लगा होता है जो कि मोटर को कूल करता रहता है। तो इतने सारे फायदे को देखते हुए सबसे ज्यादा स्क्विरल केज रोटर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के। जैसा कि आप जानते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर के दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर तथा दूसरा रोटर। स्टेटर में थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग होती है तो हम थ्री फेज बैलेंस सप्लाई थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को देते हैं। इसकी वजह से स्टेटर के अंदर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। सिंक्रोनस स्पीड को हम यहां पर आप देख सकते हैं, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ns इक्वल टू 120 इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स से हम सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू पा सकते हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं चूंकि स्टेटर के अंदर थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग यूज की गई है और उस पर थ्री फेज बैलेंस सप्लाई दी गई है, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उनमें भी 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। स्टेटर के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वह रोटर के अंदर रोटर कंडक्टर को कट करता है। इसकी वजह से रोटर में एक इंड्यूस EMF उत्पन्न हो जाता है। चूँकि रोटर के अंदर जो कंडक्टर होते हैं वह दोनों एंड पर एल्यूमिनियम या कॉपर के एंड रिंग द्वारा शॉर्ट सर्किट किए गए हैं, इसकी वजह से उनमें भी एक करंट फ्लो होने लगती है। तो रोटर के अंदर करंट के फ्लो होने की वजह से रोटर में भी एक चुंबकीय क्षेत्र यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम रोटर मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब लेंज के नियम के अनुसार रोटर के कंडक्टर पर स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है तथा रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रोटेट करना शुरू कर देता है। इस प्रकार मोटर पर टार्क रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में लगता है तथा मोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में या फिर सिंक्रोनस स्पीड की दिशा में रोटेट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटर के ऊपर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी वजह से रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रोटेट कर रहा है। रोटर की स्पीड कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती है, उससे हमेशा कमी होती है। अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो गई तो फिर टॉर्क जीरो होगा और मोटर रन करना बंद हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपको एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर को चला के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने 5.5 किलोवाट की इंडक्शन मोटर दिखाई गई है। अब इस मशीन को हम थ्री फेज एसी सप्लाई देंगे और इसकी करंट की वैल्यू को मेजर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू 17 एम्पियर है, जबकि कुछ देर बाद आप देखेंगे करंट की वैल्यू 17 एम्पियर से घटकर 7 एम्पियर हो जाएगी। इसीलिए इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज किया जाता है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जनरली डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज किया जाता है, बट फील्ड में ज़्यादातर डायरेक्ट ऑनलाइन और स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज किया जाता है। अब मैं आपके सामने इस मोटर को लगातार चला के दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग करंट 17 एम्पियर है, लेकिन धीरे धीरे करंट घटकर 10 एम्पियर, 7 एम्पियर और लगभग उसी के आसपास, यानी कि लगभग 7 एम्पियर के आसपास में सेटल हो जाती है। तो इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमेशा स्टार्टर का यूज करना बहुत ज़रूरी है, बट कई बार फील्ड में हम मोटर को चेक करने के लिए डायरेक्ट सप्लाई से देकर भी चला लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मोटर के साथ में लोड भी कनेक्टेड है। यहाँ पर इस इंडक्शन मोटर का यूज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर को ट्रीट करने के लिए किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू 7.6 एम्पियर के आसपास है। आई होप ये वीडियो देखकर आपको इंडक्शन मोटर के बारे में जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।